जी आज मैं आप लोगों के साथ फुल बॉडी वाइटनिंग ड्रिंक की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगी। और इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि आप लोग इसको बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। और इसको आप लोगों ने सुबह ब्रेकफास्ट में लेना है, निहारमू अगर आप इसको लेंगे तो इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। साथ साथ मैं आप लोगों के इन्ग्रीडियंट्स के बेनिफिट्स बताती जाऊँगी कि क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, किस तरह से बॉडी वाइटनिंग ये आपकी करेगा। तो आपने रेसिपी को एंड तक देखना है। तो चलिए जी शुरू करते हैं रेसिपी। यहाँ पे सबसे पहले ब्लेंडर में मैं 4 एप्पल्स लूँगी, उनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। एप्पल्स के आपको बेनिफिट्स बताती चलूँ, एप्पल के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि आपके कॉम्प्लेक्शन को ये सबसे ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा, ब्लेमिशेस डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करेगा, और ये नेचुरल टोनर भी है। आप इसको स्किन पर अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको खाएँगे, इसकी स्मूदी बना के पियेंगे तो इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो 4 एप्पल्स मैंने इसमें ऐड किए हैं, और यहाँ पे एक मुट्ठी भर के पुदीने के पत्ते शामिल किए हैं, मिंट लीव्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, आपके डेड सेल्स को ये ख़त्म करता है, आपकी स्किन को स्मूदर और सपल बनाएगा और हाइड्रेट रखेगा। और 1 कप इसमें मैंने दही की डाली है, 1 कप मैंने इसमें पानी का डाला है। योगर्ट भी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और यहाँ पे 8 से 10 दाने मैंने रेजिन्स के यानी किशमिश के लिए हैं वो डाल दी हैं। किशमिश जैसा कि आप लोग जानते हैं, इन सब चीज़ों को हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छे तरीके से। जो रेजिन्स हैं उसके बेनिफिट्स अगर आप देख लेंगे तो आप इसको ज़रूर बनाएंगे। ये आपके ब्लड को प्योरीफाई करेगी, ब्लड प्योरीफाई होगा तो आपको ज़रूर ज़रूर स्किन वाइटनिंग मिलेगी। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है और आपकी बहुत ही मज़ेदार सी स्मूदी तैयार हो जाएगी। बाकी के जो ड्राई नट्स हैं वो हम एंड पे डालेंगे, वो उनको थोड़ा सा क्रश करके फिर हम डालेंगे, वो सारी चीज़ें शामिल करेंगे। और जो रेजिन्स हैं आपकी स्किन डैमेजिंग को भी ख़त्म करेगी, अगर आपकी स्किन डैमेज हुई हुई है उसको भी ख़त्म करेगी, सैगिंग को ख़त्म करेगी। और ये एंटीऑक्सीडेंट इसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं जो कि आपकी स्किन को रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे जी मज़ेदार से ड्रिंक तैयार हो चुकी है, ये हम ग्लास में सर्व करेंगे। और अब कौन कौन से नट्स डालने हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी। तो ये मज़ेदार सी आप इसकी थिकनेस अपने मुताबिक रख सकते हैं, अगर इसे ज़्यादा थिक रखना है तो आप इसमें पानी शामिल ना करें, सिर्फ योगर्ट शामिल कर दें तो इससे थोड़ी सी थिक बन जाएगी। अगर थोड़ा सा आपको थिन चाहिए तो आप उसमें पानी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जी आलमंड्स लेंगे, आलमंड से हम इसको गार्निश करेंगे, बादाम से। बादाम आपको पता है रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई है, और विटामिन ई स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वॉलनट्स लेंगे, वॉलनट्स के साथ हम इसको गार्निश करेंगे। वॉलनट्स आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखेगा, मॉइस्चर भी करेगा और मॉइस्ट भी देगा, क्योंकि इसके अंदर फैट होता है। और साथ में हम रेजिन के साथ करेंगे इसको गार्निश, 2-3 रेजिन हमने, कुछ रेजिन हमने इसके अंदर भी डाली हैं और गार्निशिंग के लिए भी हमने इसको रख लिया था। तो 3-3 रेजिन हम इसके ऊपर रखेंगे और साथ में डालेंगे जी हनी। और हनी के बेनिफिट्स से कौन वाकिफ़ नहीं है, हर कोई जानता है कि स्किन की जितनी भी रेमेडीज़ हैं स्किन पे लगाने के लिए भी हनी को यूज़ किया जाता है। और अगर आप इसको खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इसके बेनिफिट होंगे, या आपकी स्किन को मॉइस्ट रखेगा। हनी एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीसेप्टिक होता है, अगर कोई भी किस्म की आपको एलर्जी भी है तो वो इसको ख़त्म करेगा। तो फिर आपकी डेफिनेटली पूरी बॉडी वाइटनिंग आपको हासिल हो जाएगी, आपकी फुल बॉडी वाइट जो रेसिपी आप बनाना चाह रहे हैं उसके जो बेनिफिट्स हासिल करना चाह रहे हैं वो आपको इससे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर यह जी हनी को मैंने ड्रिजल कर दिया है इस पर। हनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, वैसे 1 टीस्पून डाल लें। थोड़े से मैंने थोड़े थोड़े क्वांटिटी जो है मैंने 8-10 बादाम रखे थे, 3-4 गिरी मैंने वॉलनट्स की रखी थी गार्निशिंग के लिए 2 ग्लास पे। तो ये जी मज़ेदार सी आपकी ड्रिंक हो चुकी है तैयार, और आप इसको पीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं आपके साथ मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में।